बाहर करता है। आपको पता है मैंने स्वामी समर्थ रामदास के बारे में कहा था, स्वामी समर्थ रामदास के पास कल्याण स्वामी नाम के शिष्य थे, वो केवल सेवा करते थे, उनके पास कोई मंत्र की साधना तंत्र की साधना कुछ भी नहीं थी। सेवा के माध्यम से वो 700 सीढ़ियों से नीचे से पानी लाकर स्वामी समर्थ रामदास के लिए स्नान और उनके पकाने की क्रिया, उनकी सबके लिए पानी वगैरह जल लाते थे, उनके कपड़े धोते थे, उनको सोने के लिए सेवा करते, उनके पांव दबाते थे, यही उनकी क्रिया थी। लेकिन स्वामी समर्थ रामदास के पास ऐसे कोई 14 ऐसे भी शिष्य थे जो उनके दासबोध ग्रंथ को उनके कहने पर लिखते थे, वेदों के बारे में जानकारी देते, ज्ञान प्राप्त करते थे, ज्ञान देने की क्रिया करते थे, ऐसे शिष्य थे। और वो जो ज्ञानवान शिष्य थे कभी भी इस कल्याण स्वामी को दिक्कत करते थे, साला बैल है, सब बैलों के पानी उठा के लाता है, तो ज्ञान नहीं पूछता, ज्ञान नहीं पूछता, और ज्ञान नहीं पूछने के कारण इसकी यह स्थिति है। ऐसी जिंदगी जिएगा तो ठीक, इसी तरह धोने की प्रक्रिया करेगा, गधा है ऐसा कहते हैं। लेकिन गुरु को शिष्य के प्रति कभी भी एक सेवा करने वालों के प्रति उनकी तृप्ति के प्रति गुरु को कभी चिंतन होता है, और स्वामी समर्थ रामदास उसके प्रति चिंतन करते थे, ये सब लोग ऐसा कह रहे हैं। एक दिन स्वामी समर्थ रामदास ने एक चमत्कार किया, वे पहाड़ पर चढ़ गए थे, जा रहे थे, उनके ऊपर छाटी थी बैठे हुए, उनका ऊपर डालने वाला एक पंचा, एक कोई ऐसा ही गमछा उनके ऊपर था, जोर से हवाई और गमछा उड़ गया तो सारे ज्ञानवान शिष्य बैठे हुए थे, अरे मेरा गमछा कहाँ, उन्होंने तो ज्ञानवान शिष्य ने कहा, गुरुजी गमछा है गया, दूसरा ला के दे देंगे, उसमें क्या है। लेकिन स्वामी समर्थ रामदास ने कहा, अरे वो मेरा सिद्ध गमछा है, उसमें रोज मैं मेरे राम को भिक्षा ले जाता हूँ, फूल ले जाता हूँ, मेरे राम और इनके लिए सेवा करने के लिए मेरे पास दूसरा कुछ भी नहीं है, झोली मेरे काम आती है और ये गमछा मेरे राम को पहुँचने के लिए, स्नान के बाद फूल ले जाने के लिए, फल ले जाने के लिए काम आता है, ऐसा मेरा गमछा चलेगा, जो गमछा सिद्ध था। बोले करने लगे, गुरु जी और एक बार सिद्ध कर लेना, वो गया तो क्या गया, पहाड़ पे से नीचे कौन जाके लाएगा। ये बात जैसे ही उन्होंने कहा, ये बात कह रहे थे, कल्याण स्वामी आए, अरे कल्याण मेरा गमछा गिर गया। कहाँ गिर गया गुरु जी? वो जो पहाड़ के नीचे गिर गया, वो एकदम कूद गया और बाद में आता है तो गमछे को हाथ में उड़ाकर ला रहा है, उड़ते हुए आ रहा है। सब ज्ञानवान शिष्य बैठे हुए थे, सर खुजाने लगे, बोले ये क्या चीज, ये तो कल के दिन तक बुद्धू था, केवल पानी उठाने वाला, केवल इसके वाले हमारे सामने उड़ के आता है, हम इतने दिन गुरु जी की सेवा कर रहे हैं, अब तक ये उड़ने का ज्ञान नहीं सिखाया हमारे गुरु जी ने, कोई ऐसी चाल चले। गुरु जी बहुत स्वार्थी हो गए, अपने शिष्य को जो सेवा करने वाले को ऐसी चीज देते हैं और हमारे को नहीं देते। वो गमछा उठा के लाया, स्वामी जी के चरणों में रखा और नमस्कार किया। स्वामी जी ने गमछा रख लिया और इन ज्ञानवान शिष्यों की तरफ देखने लगे। ज्ञानवान शिष्य प्रश्न चिन्ह हो गए और उन्होंने कहा कि हमारे को ने तो स्वामी धोखा दिया। सब लोग सुबह आते सभी लोगों ने कहा, गुरु जी एक बात कहिए। बोलो क्या बात है? क्या बात है? आप कल देखा आपने, हम सब लोग कह रहे थे कि वो गमछा लाने के लिए तो कल्याण स्वामी नीचे कूदा, उड़ते हुए गमछे को लेके आ गया, उसमें ये सिद्धि कहाँ से आई? बोले तुम उनसे ही पूछो, मैं कभी उसके साथ बात भी नहीं करता, वो तो सेवा करता है मेरी, मैं कभी उसके साथ कोई ज्ञानवान कोई मंत्र कोई तंत्र कुछ भी नहीं दिया। उसके पास गए, अरे ये क्या रहस्य है बता दे तू, ये रोज कैसा उड़ के आया, तो रात में तेरे पास ये सिद्धि कहाँ से है? बोले आप लोग सब लोगों में 14 लोग बैठे हुए हैं, कोई 700 सीढ़ियों से नीचे से एक घड़ा पानी ला सकता है क्या? बोलो। सब लोग मुँह तक गए, हम नहीं ला सकते, हमारे में नहीं है, तो मैं ला सकता हूँ। कैसे ला सकता हूँ? अरे मैं और हनुमान जी दोनों मिलके लाते हैं। हनुमान जी ये नई सिद्धि बोल रहा है, अभी तक तो बोल रहा था स्वामी समर्थ रामदास मेरे है, हनुमान जी तेरे साथ आ गए, अरे बोलने के कुछ शर्म आ जाए, तेरे को कुछ बात नहीं आती, हनुमान जी कितना मंत्र बोलने के बाद सिद्ध होते हैं, तो हनुमान जी के साथ आता है। अब मैं आपको क्या बताऊं, आप अगर नहीं समझे तो मैं क्या करूं? कहाँ आते हैं हनुमान जी? हम दोनों मिलकर ही पानी ऊपर लाते हैं, आने के बाद क्या करते हैं, कपड़े धोते हैं, तो हनुमान जी पानी डालते हैं और मैं कपड़े हनुमान जी कपड़े धोते हैं, हाँ दास स्वामी रामदास स्वामी कपड़े धोते हैं। ये पूरे बातें झूठ बोल रहा है। उसके बाद क्या करते हैं, हम दोनों मिलकर खाना पकाते हैं, स्वामी जी खाने के बाद हम खाना खाते हैं। स्वामी जी के पास गया, प्रभु इतना भी झूठ, हम ये कहता है कि वो हनुमान जी के साथ काम करता है, हनुमान जी उसके साथ रहते हैं, हम हनुमान जी को आज तक देखे भी नहीं, हम इतने विद्वान इतने ज्ञानी वेद मंत्र बोलने वाले दास बोध लिखने वाले, हमने हनुमान जी को आज तक देखा नहीं। समर्थ रामदास जी ने कहा, मैं क्या करूं यार, तुम ज्ञानवान है, तुम्हारे पास ज्ञान है,
तुम हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हो, राम को प्रसन्न कर सकते हो, कृष्ण को प्रसन्न कर, पाप भी जा रहा हो, वो सेवा करने वाला है जिसको कुछ नहीं आता, अब इसके लिए मैं क्या करूँ? उसके लिए तो गुरु जी को ही कुछ करना पड़ता है, गुरु जी को यानी आपको, आपने उसके लिए क्या हमारे लिए कुछ नहीं किया? आप ज्ञानवान हैं, दास स्वामी ने कहा, आप ज्ञानवान हैं, आपके लिए हम क्या कर सकते हैं? आपका ज्ञान उपयोग करके आप सारी चीज़ों को, आपके सारे मंत्र याद है, आपको सारे विधान आपको मालूम है, आप आज नहीं तो कल किसी भी तरह जिस ज्ञान से देवता को प्रत्यक्ष सिद्धि कर सकते हो। उनको लगा कि दास स्वामी आज हमारे को बहुत इसी तरह मार रहे हैं कि हमारा किस तरह नीचा दिखा रहे हैं कि कल्याण स्वामी की सेवा से बढ़कर हमारा ज्ञान नहीं है। और तब कल्याण स्वामी को पूछा कि प्रभु सच बोलो कि उसके पास ये विद्या कहाँ से आई? तब स्वामी समर्थ रामदास कहते हैं, अरे वो एक दिन सेवा कर रहा था, मेरे आंखों में आंसू आए, मैं कम से कम एक लोटा लेकर मैं 700 सीढ़ियां नहीं चढ़ सका, वो रोज 2-3 घड़े रोज पानी सुबह से 700 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर मेरे लिए पानी के लिए, पीने के पानी के लिए अलग लाता है, पकाने के लिए अलग लाता है, और मेरे कपड़े धोने के लिए पानी लाता है नीचे से। तो उसके कष्ट को देखकर मेरे आंखों में आंसू आए और मैंने हनुमान जी से प्रार्थना की कि तेरी शक्ति उसको प्रदान कर, ऐसा मैंने हनुमान जी से प्रार्थना की। तो हनुमान जी ने भी उसके उस शक्ति उसके उस सेवा को देखकर उसके ऊपर प्रसन्न हो गए और हनुमान जी रोज अब ऊपर की सीढ़ी पर खड़े होते हैं और उसको उंगली देते हैं, वो उंगली पकड़ता है सीधा ऊपर आ जाता है, कपड़े धोने के लिए खड़ा रहता है तो घड़ा पकड़ते हैं पानी नीचे गिरता है कपड़े धो देते हैं। अब ये उसके पास तो बोले उसको हनुमान जी सिद्ध कैसे हुए प्रभु ये तो बताओ, ये तो उन्होंने बोला मैं कुछ नहीं किया यार, एक दिन बैठा हुआ था उसको सोच रहा था ऐसा क्या करना चाहिए कि बेचारा इतना रोज कष्ट होता है। तो एक दिन उसने मैंने उसको यहाँ आया था तो उसको ब्रह्मास्त्र का मंत्र देते हुए उसको उपदेश दे दिया कि तू आज से जो भी इच्छा करेगा, आज तेरी इच्छा मेरा जन्म देने की, मैं तेरी इच्छा पूर्ण करता हूँ। और उनकी इच्छा पूर्ण हुई, हनुमान जी उनके साथ रहे और उनको जीवन भर भी हनुमान जी का दर्शन नहीं हुआ। फिर इन ज्ञानवान शिष्यों ने कहा, प्रभु फिर हमें कब दे रहे हैं आपको ब्रह्मास्त्र प्रयोग, आप हमारे को कब दे रहे हैं? बोले आप सब लोग मिलके एक बार 3-3 घड़े उठाकर 700 सीढ़ियां चढ़ के आ जाओ, जरूर आपको ज्ञान दीक्षा दी जाएगी। और उन लोगों को पता चला कि ये कार्य हमारे से होने वाला नहीं है, महाराज ने हमें इसको देने से इनकार कर दिया। उस दिन कल्याण स्वामी बाद में स्वामी समर्थ रामदास के श्रेष्ठ शिष्य हुए।